वेल दिस इज द टॉपिक जिसपे हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वर्टिट्स इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स का बेसिक जो प्लान है वो तो वही है इस देर आर टू इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल दे आर दट सेक्सिस यूनाइट टूगैदर एंड देन द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड और दाइको डिज फॉर्म्ड और इसमें खास तौर पे वर्टिब्रेट्स uh, के अंदर द स्पर्म्स बाय द मेल दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फीमेल ट्रैक और uh, जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है और इनिशियल uh, स्टेजेस या यूँ समझें कि वो जो एग uh, uh, की डेवलपमेंट की सम, वो विद इन द बॉडी होती है और उसी तरह वेरी क्लोज टू ऑवरी लेकिन उसके बाद फिर इट गेट्स अटैच विद द फीमेल बॉडी और uh, फिर फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट फॉर्मेशन तक बट इन अ वेरी रेयर केसेस ये इनकम्प्लीट हो uh, बर्थ बीब समटाइम्स होती है वर्ट, uh, वर्टिब्रेट्स के अंदर नाउ द स्पर्म्स दे प्रोवाइड जीन्स इसमें बेसिकली बात क्या है कि क्यों Uh, एक इंडिविजुअल या एक स्पीशीज के इंडिविजुअल वो वही स्पीशीज के इंडिविजुअल ही बनाते हैं दैट इज टू से के जो जो फॉर एग्जांपल कैट्स हैं दे विल गिव राइज राइस कैट्स या जो डॉग्स हैं दे विल रिप्रोड्यूस इन टू देश इट इज अ जीन दिज आर जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल प्रोसेस तो ये तो दिस इज अ टॉपिक ऑफ Completely genetic scar the sperm they provide genes which is coding for some of the male parent's traits, so each and every character the trait that is under gene control so when they come together in pairs to wo genes to wo they function or individual bante so the eggs and uh, uh, eggs, the egg is typically that is usually large in size and that cytoplasm is a very uh, important thing for the initial, uh, that is, of the zygote. The sperm is usually small and motile and adapted to propel itself by beating its long whip-like flagellum. Normally, in vertebrates, the uh, uh, sperms are motile. Hai. लेकिन सिर्फ इसी मोटेलिटी की वजह से ही इनकी मूवमेंट नहीं होती ये जो फ्लेजलर मूवमेंट ही नहीं होती बल्कि जो मस्कुलर मूवमेंट जहाँ पे ये जो एग्स स्पर्म्स uh, हैं दे आर इंट्रोड्यूस्ड तो दे हेल्प इन दैट इज द प्रोपेलिंग दिस स्पर्म्स अप टू द पॉइंट वेयर द वेयर द एग इज़ टू बी फर्टिलाइज तो व्हेन स्पर्म एंड एग्ज यूनाइट फॉर्म्ड और ये फिर उसके बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है दाई गोड डिवेलप्स इंटू ए न्यू इंडिविजुअल देमिलर टू बोथ पेरेंट्स और नॉट आइडेंटिकल अब इसमें भी फ़र्क है एक सिमिलर है एक आइडेंटिकल है यानी जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि फिश जो है दट विल गिव राइज टू फिश डॉग दिट विल गिव राइज लेकिन आर सिमिलर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल और ये आइडेंटिकल तो होते हैं जैसे आइडेंटिकल ट्विन होते हैं जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं एक ही से दो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं उन्हें हम आ, तो वो सिमिलर भी हैं और आइडेंटिकल भी हैं नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज टिपिकली इन्वॉल्व रिमार्केबली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बिहेवियरल प्रोसेस ये तमाम चीजें जो हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूँ समझें कि दीज आर the prerequisites of all the, the sexual reproduction. Now, the strong drive to mate or reproduce dominates the lives of many vertebrates. Or uh, yeah. Or this example, you females of most mammal species come into heat or estrus cycle about the same time each year. There's uh, ye a शीप हैं या फिर बफलोज़ हैं काउज हैं तो इन एनिमल्स के अंदर देर इज़ अ पीरियड विच वी कॉल द हीट पीरियड जो कि एक रिसेप्टिव है फॉर द प्रोसेस ऑफ द मेटिंग। तो ये ये दिस इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एनिमल्स के अंदर बल्कि ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर एक्सेप्ट ह्यूमन और सर्टन एप्स और मंकीज़ तो वहाँ पर ईस्टर साइकिल होता है ज़्यादातर साइकिल ईस्टर साइकिल होता है एक्सेप्ट जैसे मैंने कहा एप्स में मंकीज में और ह्यूमन में जहाँ पे फिर मैंस्ट्रल साइकिल आता है नाउ जेनेटिक हॉमोनल एंड नर्वस सिस्टम्स दे कंट्रोल द ईस्टर साइकिल सो दैट द यंग आर बॉर्न व एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल तो ये जो हीट पीरियड है ये इट इज़ इट एनवायरमेंट इट इज़ ये एक फेवरेबल एनवायरमेंट आता है एज ए रिजल्ट ऑफ देर इज ईयरली चेंजेस जैसे 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 रैबिट्स हैं फॉर एग्जांपल तो उनकी जो हीट पीरियड है वो बहुत वो दो तीन महीने में भी आ, आ जाता है तो इस तरह मुख्तफ एनिमल्स के अंदर ये हीट पीरियड या इस्ट्रस पीरियड और जो कि एक साइकिल का हिस्सा है पीरियड इट इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल तो जिसे हम फिर अगले मॉड्यूल्स uh, के अंदर इसका भी डिटेल में जिक्र करेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स